फ्रेंड्स, रेणुका होम किचन में आपका स्वागत है। नवरात्रि के इस सीजन लेकर आए हैं आपके लिए व्रत वाली थाली। इस थाली को बनाने के लिए हम यहाँ पर सिंघाड़े का आटा ले रहे हैं। इसे हम एक बाउल में डालेंगे। अगर आप चाहें तो कूटू का आटा भी ले सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम घिसी हुई अदरक, कुटी हुई काली मिर्च और हरी मिर्च जो हमने बारीक काट ली है। ये उबले हुए आलू हैं, इसे हम मैश करके डालेंगे। हरी धनिया बारीक कटी हुई, इन सबको मिक्स करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। डो को हम देसी घी डालकर चिकना करेंगे और इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले पनीर को कट करेंगे। गैस पे हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें व्रत वाला ऑयल डालेंगे। इस ऑयल में हम मखाने फ्राई करेंगे। सेम कढ़ाई में हम पनीर फ्राई करेंगे। यहाँ हमने मिक्सी का जार लिया है, इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डाली है, अदरक का टुकड़ा डाला है और टमाटर को रफली काटकर डाल रहे हैं। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। पनीर फ्राई हो गया, इसे हम प्लेट में निकाल रहे हैं। अब कढ़ाई में हम जीरा डालेंगे। जीरा जब चटकने लगेगा तब इसमें हम टमाटर की प्यूरी डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। साथ में ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, भुनी हुई धनिया का पाउडर, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। यहाँ कटोरी में हमने 1 चम्मच सिंघाड़े का आटा लिया है और इसे पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर रहे हैं। इस घोल को हम इस टमाटर की प्यूरी में डालेंगे जिससे सब्जी गाढ़ी हो जाएगी। और इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे इसमें फ्राई करे हुए पनीर और साथ में जाएगा फ्राई करे हुए दाल मखाने। अब इसमें ऐड करेंगे 2 कटोरी के करीब पानी और इसे बॉयल होने देंगे। इसे हम ढक्कन लगाकर 10 मिनट बॉयल करेंगे। सब्जी हमारी बॉयल हो गई है। अब इससे हम हरा धनिया डालेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब हम पराठे बनाएंगे। इसके लिए हम डो में से 1 लोई निकालेंगे और उसे हाथों से रोल करेंगे। इसका एक पेड़ा बनाएंगे और यहाँ पर हमने एक पॉलीथीन ली है, इसके अंदर हम लोई रखेंगे और किसी भी प्लेट से इसे हम प्रेस करेंगे। ये पराठे आसानी से बन जाएंगे। अब पॉलीथीन का ऊपर वाला सिरा निकाल दीजिए और पराठे को आसानी से हाथ में ले लीजिए। अब गैस पे हमने तवा रखा है, इस तवे पे हम पराठा डालेंगे और उसे सिकने देंगे। पराठा जब एक तरफ से सिक जाएगा तो उसे पलट देंगे और इसे हम घी या कोई भी व्रत वाला ऑयल लगाकर दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। इसे अच्छे से दबाकर सेकेंगे ताकि पराठा अंदर तक अच्छे से पक जाए। पराठा रेडी हो गया है, इसे हम प्लेट में निकाल रहे हैं। दूसरा पराठा भी हमने बना लिया है और इसे हमने पनीर की सब्जी, पराठा और मूंगफली की चटनी के साथ सर्व किया है। ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है और इससे पेट भी अच्छे से भर जाता है। आप इस रेसिपी को इस नवरात्र में ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।